हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के तीसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के दो सेशन में हम लोगों ने वर्क एंड पावर इस दोनों को बहुत ही बेसिक से समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस थ्योरी वाले पार्ट को नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप वर्क एंड पावर को अच्छे से समझ पाएँ तो आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको फिर से ज़रूरत है एक बार वर्क और पावर के थ्योरी वाले पोर्शन को देखने की। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और देखते हैं कि वर्क एंड पावर के पीछे के दो वीडियो से आप क्या कुछ सीख पाए हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्या है, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। मेरा मित्र आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई लड़का है जिसका भार जो है वो 300 न्यूटन है और वो किसी मकान के दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है उस पर वो चढ़ रहा है और फिर नीचे उतर रहा है, तो चढ़ने और नीचे उतरने में उसके द्वारा कितना कार्य किया गया, ये चीज़ आपको बताना है। इसको ज़रा सा ऐसे समझेंगे कि सपोज कीजिए कि ये आपका कोई लड़का है, ये आपका क्या है सर, कोई लड़का है और इसका भार क्या है सर, इसका भार है 300 न्यूटन। कितना है? 300 न्यूटन। और मान लीजिए कि ये आपका कोई एक ऊंची बिल्डिंग है जिसका ये फर्स्ट फ्लोर और ये आपका सेकंड फ्लोर, और यहाँ से धरातल से सेकंड फ्लोर की दूरी कितनी है सर, तो आप कह सकते हैं 7 मीटर। तो आप इसको दूरी कह लीजिए या इतना ऊंचाई कह दीजिए, बात तो आपका बराबर ही होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में ऊपर चढ़ रहा है तो ऊंचाई की बात करेंगे, तो ऊंचाई कितना है 7 मीटर, और फिर इस पर ये चढ़ रहा है और फिर इस सेकेंड फ्लोर से ये नीचे भी आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है कि एक बार चढ़ जा रहा है ऊपर और एक बार फिर वो नीचे आ जा रहा है, मतलब फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जा रहा है। तब पूछ रहा है कि ये ऊपर चढ़ा और नीचे आया तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको निकालना है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। मित्रों, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि सर कार्य जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे बल गुना विस्थापन। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल भी रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलते हैं, अगर आपके पास सही पकड़ है तो बेशक आप उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। देखिए, आपने पीछे के सेशन में पढ़ा था कि सर कार्ज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, बल गुना विस्थापन, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। तब आप कहेंगे कि सर चलो विस्थापन की जब यहाँ पे आपने बात करा है तो विस्थापन तो इसका जीरो हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे जीरो हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलती है और पुनः वह उसी बिंदु पर आ जाती है तब उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, पॉइंट ए से क्या गए सर, पॉइंट बी पे गए, और फिर पॉइंट बी से कहाँ पे चले आए, पॉइंट ए पे चले आए, तो आपके द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा वो कितना होगा, तो आप कहिएगा सर दूरी तो दोगुना हो जाएगा लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन जो है आपका वो सदिश राशि है, तो इसके साथ मसला हो जाता है किसका सर, साइन का। तो हम लोग कहते हैं सर डायरेक्शन परिवर्तित हो रहा है, एक बार इधर जा रहा है और एक बार इधर आ रहा है, मतलब ऐसा हम लोग एक लॉजिक पढ़ते हैं ना कि अगर कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर फिर से आ जाए तब उसके द्वारा तय की गई विस्थापन क्या होती है, शून्य होती है। तो वही लॉजिक हम यहाँ भी समझेंगे कि ये एक बार ऊपर चढ़ रहा है सेकंड फ्लोर पे फिर नीचे आ रहा है तो विस्थापन कितना कवर किया भाई, जब वो अपने ओरिजिन पॉइंट प्रारंभिक बिंदु पे आ ही गया, जहाँ पहले था वहाँ पे वो आ ही गया, तो इसके द्वारा तय की गई विस्थापन कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो चलिए, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि विस्थापन कितना है, जीरो है। अब आप कहिएगा कि सर बल तो इसमें क्वेश्चन में चर्चा ही ना किया है, किया है मेरे मित्र, इसमें क्या किया है क्वेश्चन में चर्चा कि कोई लड़का है जिसका भार कितना है सर, 300 न्यूटन है, भार कितना है सर 300 न्यूटन। अच्छा, भार हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी क्या करती है सर, जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, और गुरुत्व बल को हम लोग क्या कहते हैं, ये वस्तु के भार के बराबर होता है।
तो भाई हम लोग कहते हैं वस्तु का भार कैसे निकालते हैं, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो और जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है वो दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये वस्तु का क्या हो जाता है, भार हो जाता है। तो सर आपसे यहाँ पे जो कहा गया है कि लड़के का भार 300 न्यूटन है, मतलब लड़का पे जो बल लग रहा है वो कितना का लग रहा है सर, 300 न्यूटन का लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर कि W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बल मेरा कितना मिल गया 300 न्यूटन मिल गया और विस्थापन कितना है जीरो, तो आप 300 को जीरो से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आप कहिएगा सर जीरो। आप क्या कहिएगा सर जीरो, मतलब लड़के के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है, तो सर जीरो है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल और प्यारा सा सवाल, आपको मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा है पीछे के थ्योरी वाले सेक्शन में। क्वेश्चन पूछा है पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल है। मित्रों आप सबों को पता है कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे फट से सर वाट होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा है कि ये वाट किसके समतुल है, तो आप कहिएगा सर आपने तो बताया है जूल पर सेकंड के समतुल है, किसके समतुल है सर जूल पर सेकंड के, लेकिन क्वेश्चन तो ये ना पूछा है, क्वेश्चन आपका पूछ दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब इसके सेंस में, अब ये चीज़ कहाँ से आएगा मेरे मित्र, कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपके पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बटा टाइम, फॉर्मूला यही ना होता है सर, वर्क बटा टाइम, कार्य बटा समय। आपको ये भी मालूम है कि कार्य इक्वल टू क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर कार्य इक्वल टू होता है एफ एस, बल गुना विस्थापन, क्या होता है बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे जो आपका बल है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर न्यूटन होता है, ये एस तो विस्थापन है, तो विस्थापन को हम लोग किस में मापते हैं सर मीटर में मापते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर कार्य का जो यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है सर न्यूटन मीटर होता है। और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका बल है तो आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है ma होता है, और सर मास का यूनिट क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं, तो क्या हम इस न्यूटन की जगह पे यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लें तो आपको कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे मीटर भी है तो सर ये तो गुना में है तो ये भी होगा, सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, तो सेकंड स्क्वायर को हम नीचे ले आते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना आपका ये क्या हो गया मीटर हो गया। चलिए अब हम इसको ऐसे लिख लें kg मीटर स्क्वायर अब पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कि आपका कार्य का यूनिट यहाँ से निकल गया, कार्य का यूनिट आपको ना लगता है कि निकल गया सर, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप कहिएगा सर कैसे, तो देखिए आप P इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं क्या कि कार्य क्या निकाले हैं kg मीटर स्क्वायर अब पर सेकंड स्क्वायर ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए पर सेकंड स्क्वायर बटा में। अब देखिए यहाँ पे नीचे टाइम है आपका, तो ये आपका टाइम भी हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे P इक्वल टू ऐसे ना लिखते हैं सर kg अब मीटर स्क्वायर, देखिए kg मीटर स्क्वायर ये दोनों का क्या है सर बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर kg मीटर स्क्वायर पर पावर s टू दी पावर 3, दो पावर एक कर एक पावर एक कर तो कितना हो गया सर s टू दी पावर 3। अब देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप कहेंगे कैसे सही है, तो सर ये आपका s टू दी पावर 3 नीचे क्या है बटा में है, अगर हम इसको ऐसे लिख ले अरेंज करके kg मीटर स्क्वायर ये s टू दी पावर 3 है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो s टू दी पावर -3। देखिए आपके ऑप्शन सी में ये है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल, बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन पूछा है आपसे 1 वाट आवर इक्वल टू वाट, यही चीज़ आपसे पूछा है, थोड़ा सा भी आपको नहीं घबराना है यहाँ पे। आप सबों को पता है कि यहाँ पे 1 वाट आवर पूछा है,
इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मेरा रहेगा ही रहेगा, अब वाट आवर पूछा है तो आवर को हम क्या करते हैं सर, सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये कितना जूल होगा, वन वाट आवर कितना जूल होगा, तो हम लोग वाट सेकेंड को ना जूल कहते हैं, तो यहाँ पे ये वाट आवर है, इसको हम आवर को सेकेंड में बदलेंगे। तो आप ही बताइए कि कहिएगा सर एक घंटा में होता है 60 मिनट, कितना मिनट सर 60 मिनट, और एक मिनट में होता है सर 60 सेकेंड, तो एक घंटा में कितना सेकेंड होगा, तो आप कहिएगा 3600 सेकेंड। तो लीजिए एक गुना 36, अब देखिए ये आपका वाट हो गया और ये आपका क्या हो गया सेकेंड। अब जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। अब किस में आएगा सर, जूल में आएगा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 36 अगुना 100, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर इसको कि यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं 3.6 कर देते हैं, तो बटा 10 हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 10^3 लिख दीजिए ना, मतलब क्या हुआ कि 1 वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3.6 × 10^3 जूल, कितना हो जाएगा 1 वाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10^3 जूल। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, चौथे नंबर का सवाल, क्या पूछा है आपसे, देखिए मैं ये सारे सवाल आपको वर्क एंड पावर के थ्योरी वाले सेक्शन में बताया है, समझाया है वहाँ पर कि एक एक चीज़ को। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान V है, तो सामर्थ्य P का मान क्या होगा। कह रहा है कि कोई सिस्टम है उस पर अगर F बल लगाया जाता है तो उस F बल के लगाने से उसमें भी वेग उत्पन्न हो जाता है, तो उसका सामर्थ्य क्या होगा। तो आप कहेंगे सर P इक्वल टू, आप ही ने तो बताया पीछे के सेशन में कि बल गुना वेग होता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर कैसे होता है, तो मेरे मित्र यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई निकाय है और आप इस पे F बल लगा रहे हैं, तो इसमें भी वेग उत्पन्न हो रहा है, तब इसका जो सामर्थ्य होगा, इसका जो शक्ति होगा, इसका जो पावर होगा P होगा, वो क्या होगा, आपको ये निकालना है। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहेंगे W/T होता है, क्या होता है W/T होता है, चूंकि कार्ज इक्वल टू होता है सर बल गुना विस्थापन Fs, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर P इक्वल टू Fs/T लिख सकते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं सर P इक्वल टू हम F(S/T) लिख सकते हैं। इसके बारे में कहते हैं सर ये विस्थापन है, क्या है सर डिस्प्लेसमेंट है, और आपको पता है विस्थापन बटा समय को हम लोग वेग कहते हैं। तो आप देखिए कि P इक्वल टू F(S/T) को हम भी कह दें तो आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो P इक्वल टू क्या हो गया आपका बल गुना वेग हो गया। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया, और मैंने उस क्वेश्चन को आज के इस सेशन में इंक्लूड भी करा है। बस क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अलग है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, लेकिन मटेरियल वही है। तो आप क्या कहेंगे सर कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल, शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सर P इक्वल टू हम लोग फार्मूला लिखते हैं W/T, और फिजिक्स में भौतिकी में जब किसी भी राशि को अगर हम समय से भाग करते हैं तो हम लोग सीधे कह देते हैं सर कि हम लोग उसके दर की बात कर रहे हैं। तो कार्य को समय से भाग कर रहे हैं मतलब कार्य करने की जो दर होगी वो क्या होगी, शक्ति होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है शक्ति कहलाती है, तो कार्य करने की दर है, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
छठा क्वेश्चन, और मैं आपको इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, आपसे क्वेश्चन पूछा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बताइए अगर इसको फिर से रिपीट करा जाए तो क्या आप इसका सही आंसर नहीं बता सकते? ऑब्वियसली 100% बता सकते हैं। बस मन से एकदम जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, और कोशिश करें हमेशा कि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से खत्म करा जाए। असली पढ़ाई का मतलब यही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने पीछे डिटेल में इसको करा ही है और आपको इसके थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया है। तो आप सीधे कह सकते हैं सर कि जो बल और वेग का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? शक्ति के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, और जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूमेरिकल सवाल है और आप चाहें तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आपका कह रहा है कि एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। मान लीजिए कि ये आपका एक ऊंचा जगह है और इसका ऊंचाई कितना है? 4 मीटर है, और ये 10 केजी का यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है और ये ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। आपको कह रहा है कि इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी का वैल्यू आपको कितना लेना है सर? तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और आपको निकालना है क्या है सर? वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। आप सब अब उधेर बुन में फंसे हुए होंगे कि सर यहाँ पे कार्य निकालेंगे तो चलिए विस्थापन तो ये हो जाएगा कि 4 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन बल कैसे पता चलेगा? आप कहिएगा सर W इक्वल्स टू, जबकि एफ एस होता है, W इक्वल टू एफ एस होता है, तो ये विस्थापन तो समझ लिए कि ऊंचाई 4 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ऊपर से नीचे आना, ये बल क्या होगा? तो मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके चलते वस्तु नीचे आ रहा है, वही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? बल हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे हो जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो बल क्या होता है सर? वस्तु के भार के बराबर होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को वस्तु के भार के बराबर बल से अपनी ओर खींचती है। अच्छा सर वस्तु का भार कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि W इक्वल्स टू एम जी होता है, और पृथ्वी किसी भी वस्तु को इसी बल से अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु का यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 10, और हमको क्वेश्चन में कह दिया है कि जी का वैल्यू लेना है 10, तो 10 गुना 10 मतलब वस्तु जो है ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो उस पर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल से उसको अपनी ओर खींच रही है? तो आप कहिएगा सर 100 न्यूटन। तो देखिए आपको क्वेश्चन में F कितना आ गया सर? 100 न्यूटन। आप कहिएगा कि सर विस्थापन तो समझ गए पहले थे कि 4 मीटर की ऊंचाई कवर कर रहा है, तो मेरा विस्थापन कितना हो गया? 4 मीटर। W इक्वल्स टू फार्मूला क्या लिया होता है सर? तो बल गुना विस्थापन। तो आपका हो गया ये सर कितना जूल? 400 जूल हो गया। कितना जूल हो गया सर? 400 जूल हो गया। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या कहेंगे सर? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल, क्या पूछा है आपसे कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा है। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? तो मेरे मित्र हवाई जहाज जो है, जो आपका एरोप्लेन है, ये दूरी कितना कवर कर रहा है? तो कह रहा है क्वेश्चन में पहले से ही एकदम हल्ला करके कि 4000 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो ऐसा आपका क्या हो गया सर? 4000 मीटर। और आपसे कहा जा रहा है कि इसके द्वारा जो कार्य होता है, मतलब जो W है वो कितना है सर? इसके द्वारा जो कार्य होता है वो है 20,000 जूल। कितना है? 20,000 जूल।
तो आपसे पूछा है कि इस पे कितना बल कार्य कर रहा है, बताइए इससे ज़्यादा लॉलीपॉप वाला सवाल कोई और होगा? आप कहिएगा सर क्या बात करते हैं, अरे भाई W इक्वल्स टू एफ एस होता है, बल गुना विस्थापन होता है। आपका यहाँ पे कार्य कितना दिया है सर, तो कह रहा है कि सर कार्य हम 20,000 जूल कर रहे हैं पहले से, बल हमको निकालना ही है, और आपका दूरी कितना है, विस्थापन कितना है 4000 मीटर, तो बल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 20,000 अपटा 4000 हो जाएगा। चलिए ये 3 × 0 ये 3 × 0 कैंसिल, 4 × 5 कितना हो गया 20। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना न्यूटन बल चाहिए सर, 5 न्यूटन। कितना सर, 5 न्यूटन। अब बताइए अगर आपको सही कंसेप्ट मालूम है तो क्या ये सब क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल कि यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगा है और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, तब आप बताइए कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा। मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि सर W इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, कब सर, तो जब हम लोग कहते हैं कि बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि W इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे इस स्थिति में कार्य जो है वो कॉस थीटा के 3 वैल्यू पर डिपेंड करता है, पहला कॉस 0 डिग्री, दूसरा कॉस 90 डिग्री, और तीसरा आपका कॉस 180 डिग्री। इस 3 वैल्यू पे कार्य डिपेंड करता है। अब कहते हैं सर कॉस 0 डिग्री कब होता है, तो सर जब बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल ही ना बन रहा हो, बल और विस्थापन के बीच में क्या हो सर, कोई एंगल ही ना बन रहा हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम लोग कहेंगे 0 एंगल, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है सर 1। तो जब बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल नहीं बनता है तो जो किया गया कार्य होता है वो अधिकतम होता है। अब आते हैं 90 डिग्री में, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मेरे मित्र किया गया कार्य जो होता है वो हो जाता है 0। आप कहिएगा सर कैसे, तो सर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, या किसी वस्तु पर बल लगा है और किया गया कार्य मेरा 0 है, मतलब बल जो है वो बल और विस्थापन के बीच में क्या हो रहा है सर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर क्या हो सर कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री का कोण बनेगा, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा हो तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो बस ये वाला हमको छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि बल लगने पर कोई कार्य ना हो, तो आप देखिए कि 90 डिग्री की स्थिति में बल लगा रहे हैं लेकिन कोई कार्य हो रहा है ना, हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन तो वही पूछा है कि यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन बी होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा 90 डिग्री होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा है, देखिए अभी जो सारी चीज़ें डिस्कस की उसी पे आधारित है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर विस्थापन s की दिशा में लग रहा है तो कार्य का समीकरण क्या होगा। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो विस्थापन की दिशा में लग रहा है, क्या हो रहा है सर, विस्थापन की दिशा में लग रहा है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, और किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल्स टू F गुना S होता है। क्या होता है सर, F गुना S, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सर ये भी सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर B। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब आपको पता चल गया होगा कि सर ने क्या पढ़ाया और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है वाकई में तो लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।